और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। अभी अभी क्लिनिक से जस्ट फ्री हुआ हूँ, रात के 10:30 बज रहे हैं, थका हुआ हूँ, लेकिन सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद एंजॉय करता हूँ इसे। तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स को मदद करेगा। मेरी कम्युनिटी टैब पर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भी इसी सब्जेक्ट को दिए दिए हैं कि एक हफ्ते से एक दिन पहले तक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, आप खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है या सब्जेक्टिव भी है, तो क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जा सकता है। आपको पता है मेरे बच्चे स्विमर्स थे, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में थे, तो दुनिया के जो बेस्ट स्विमर्स होते हैं ना, और स्विमिंग कोच होते हैं, अकेडमीज होती हैं, क्या होता है उनमें, या किसी भी स्पोर्ट में बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कराई जाती है और साल भर, और उसके बाद लास्ट 3 से 4 दिन के लिए बहुत ही मिनिमम कर दी जाती है प्रैक्टिस को, रिलैक्स करने दिया जाता है मसल्स को। आप देखें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है कारवाना और मैग्नस कार्लसन में, अभी कल ही 12वां गेम ड्रॉ हुआ है, और अब वेडनेसडे से उनके टाई ब्रेकर जो रैपिड राउंड शुरू होंगे, तो उनको भी 6 घंटे करीब मैच चलते थे उनके, 6 से 7 घंटे ब्रेक दिए जाते हैं बीच बीच में दिमाग को, ठीक है, जिससे कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आ सके। तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। ये याद रखें कि आपने जितनी भी मेहनत की हो, वो लास्ट जो 3 घंटे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, वो आपके फेट को डिसाइड करते हैं कि वहां आपकी कितनी अलर्टनेस, शार्पनेस रहती है ब्रेन की, ठीक है। तो मैं आपको 5 पॉइंट पर बताने वाला हूं कि आपको 7 दिन पहले से लेकर 1 दिन पहले तक क्या करना है, और इनके मैं एनालिसिस बताऊंगा, तो अपने भविष्य के लिए सुनिया सुनना, और इन 5ों पॉइंट्स को अपने कहीं पर जहां पढ़ाई करते हैं, जहां रोज दिखते रहें, वहां पर लगा देना, ठीक है, जिससे कि आप बीच बीच में चेक कर सकें कि आप ये सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो पहला तो है, मैं बोलूंगा कि 7वां दिन एग्जाम के पहले का आप इमेजिन कर लीजिए कि आ गया आपका, लेकिन इसके पहले आपने पूरी इंटेंसिटी से, पूरी किलिंग इंस्टिंक्ट और जील से मेहनत की है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट को समझा है, और अपने मैक्सिमम घंटे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे बिना स्लीप को अफेक्ट किए आपने पढ़ाई की है। अब बच रहे हैं 7 दिन एग्जाम के, तो मैं पहले 5 पॉइंट्स एन्यूमरेट कर दूं, फिर उनका एनालिसिस करेंगे हम। तो पहला पॉइंट है डाइट। आप कहेंगे डाइट पढ़ाई के लिए? जी हाँ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपकी ऑप्टिमम ब्रेन परफॉर्मेंस आपको मिल सके। दूसरे नंबर पर आता है नींद, यस, स्लीप, जो कि बहुत लोग लास्ट लास्ट में अफेक्टेड कर रहे होते हैं। कब से आपको कम स्लीप लेना बंद कर देना है, प्रॉपर स्लीप लेना है, ये मैं बताऊंगा। थर्ड आएगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी किस चीज की? स्ट्रैटेजी अधिक से अधिक आपका मेमोराइज करने की चीजों को, वो मैं आपको बताता हूं। फोर्थ पर आएगा रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, कि कैसे माइंड को पूरा रिलैक्स करके उसको नई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए रिसेप्टिव बनाया जाए। और फिफ्थ है थॉट प्रोसेस, आपके भीतर कैसे विचार आने चाहिए किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के पहले या एग्जामिनेशन हॉल के भीतर जाने पहुंचने तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइट से। तो देखिए, मेरा एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं कि जो ब्लैक कॉफी है, स्ट्रांग कॉफी, ये आपकी मेमोरी को 24 से 48 घंटे के लिए बढ़ा देती है और आपके ब्रेन को शार्प कर देती है। तो यदि आप ब्लैक कॉफी ले सकें, हल्की शक्कर यूज कर सकते हैं, शक्कर कम से कम रखें, या बिना शक्कर के ले सकें तो ले लीजिए। ब्लैक कॉफी यदि आप स्ट्रांग सुबह शाम लेते हैं 7 दिन पहले से, तो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे और एनर्जेटिक रहेगा ब्रेन, और ज्यादा तेजी से ग्रहण करेंगे बातों को। तो पहला तो ब्लैक कॉफी। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो है खासकर शुगर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कीजिए। इसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या फ्रूट्स, फलों का इस्तेमाल अधिक शुरू कर दीजिए, सलाद, फ्रूट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जगह, इनको आप समुचित मात्रा में लीजिए। प्रोटीन किन चीजों में ज्यादा होता है, इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही कैलोरी कैलकुलेशन पर, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कि यदि आप लोग एगिटेरियन हैं तो एग व्हाइट में, पनीर में, सोयाबीन में, दालों में, तो मतलब आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल में
दाल का पोर्शन ज्यादा रखिए, ठीक है, सलाद सब्जियां ये सब बराबर लेते रहिए। तो ये और देर रात खाना अवॉइड कीजिए, ठीक है, देर रात खाना अवॉइड करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर मैंने बताया था स्लीप, नींद जो है आप 7वां दिन से इमेजिन करें ना, तो 7वें दिन से आप 2 दिन पहले तक खूब पढ़ सकते हैं, कम नींद लेकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे सोकर भी पढ़ते हैं तो चलेगा, जितना मैक्सिमम इंटेंसिटी आप डाल सकते हैं डाल दीजिए, लेकिन 2 दिन पहले से उस इंटेंसिटी को, नींद के ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। 2 दिन पहले से आपकी बॉडी, आपका शरीर और मस्तिष्क जो है रिलैक्स होने की जरूरत होनी शुरू हो जाना चाहिए। तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना है दूसरे दिन, और आखिरी दिन तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद, बेहद साउंड स्लीप लीजिए, बिना डिस्टरबेंस वाली, जिससे कि आप फ्रेश बिना थके हुए माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। तीसरा आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में देखिए, ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आपने 1 साल तक खूब पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मार्क कर लिया आपने उन चीजों को जो आपसे बनती थी इजिली और जो थोड़ी डिफिकल्ट हैं। तो आपको 7वें दिन से लेके 5 मतलब 2 दिन बचने तक आपको उन डिफिकल्ट चीजों को जरूर देख लेना है जो आपसे कम बनती हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी ज्यादा संभावना है आने की, वो सारा सारा फास्ट रिवीजन करते जाना है। आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है इस दौरान में, ये ध्यान रखिए, नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो आपको आता है उसको कंसोलिडेट करना है। क्योंकि मैं बताऊं कि टॉप रैंक्स जो हासिल होती हैं वो इजी क्वेश्चंस को एक्यूरेसी से सॉल्व करने से ज्यादा हासिल होती हैं, ना कि कठिन क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करने से। तो कठिन क्वेश्चंस कई बार नहीं बनते हैं टॉपर्स को भी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी इजी क्वेश्चंस में ज्यादा होती है। तो इजी क्वेश्चंस को जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे अच्छे से, मल्टीपल रिवीजन, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी। तो उनको एक्यूरेसी के लिए उनको तेजी से रिवाइज कीजिए। और लास्ट 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ वो चीजों को देख लीजिए, विभिन्न सब्जेक्ट्स की, जिनको आपने मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट के रूप में, या फिर आपको थोड़ी कम बनती थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, उनको बस देख लीजिए, ठीक है। मतलब कंसेप्ट क्लियर थे बट आपको याद नहीं था, तो ऐसी चीजों को देखते चले जाइए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, हाउ टू क्रैक ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पर, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन खासकर एग्जाम के 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले भाई साहब आप अच्छे से सोइए, ठीक है, अच्छा खाना लीजिए, खुश रहिए, कुछ म्यूजिक सुनिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, उछल कूद कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात करना हो तो कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो उससे बात कर लीजिए, और लेकिन व्यर्थ की नहीं, थोड़ी देर की, ठीक है। और पढ़ाई जरूर कीजिए लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं, मतलब इंटेंसिटी रहेगी बट ड्यूरेशन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पूरे 7-8 घंटे की नींद भी लेनी है, ठीक है। और कई तरह के रिलैक्सेशन, कुछ लोगों को एक्सरसाइज से, कुछ लोगों को थोड़ा सा खेल आएंगे, बैडमिंटन या क्रिकेट हल्का फुल्का, मतलब ऐसा रहिए कि आपका कोई बहुत बड़ी चीज स्टेक पर नहीं लगी हुई है। इसमें गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स की, लगातार पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं सुबह तक, लेकिन उससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस अफेक्टेड होती है जहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट की जरूरत है, ठीक है। तो आखिरी दिन रिलैक्स रहने की जरूरत है। मैं खुद गाने सुन लिया करता था, किशोर कुमार के मुझे बहुत पसंद है, आप लोग अपना देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं 5th है, थॉट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थॉट प्रोसेस सिलेक्शन के पहले क्या होगी। तो ये देखो कि मैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं कई एम्स टॉपर्स के इर्द गिर्द रहा हूं, बहुत सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मैंने लाइफ में देखे हैं, पढ़ाए हैं उनको। तो देखो ऐसा है कि थॉट प्रोसेस में आपको लगना शुरू हो जाना चाहिए कि भैया मैं तो क्रैक करने वाला हूं, मैं तो फोड़ कर रख दूंगा, मैं तो टॉप करूंगा। इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको आनी शुरू हो जानी चाहिए। एरोगेंस नहीं होता ना आत्ममुग्धता होती है, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होने वाला होता है तो ऐसे विचार आपको आने लगते हैं, समझ आने लगता है कि मेरा होने वाला है सिलेक्शन। तो पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी घबराहट पर आपको नियंत्रण रहेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने भी पूछा कि घबराहट और इंडाइजेशन का पार्ट इंक्लूड जरूर कर लेना एंग्जाइटी का। तो देखो आप स्टेक पर सब कुछ मत लगाओ, एग्जाम आखिर एग्जाम है, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा तो जिंदगी खुद एक एग्जाम है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम में
फेल हो भी जाओगे तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, ना ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ना ही आप असफल हो जाओगे। आफ्टर ऑल ये छोटा सा एग्जाम है, तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। और अपने आप को रिमाइंड करिए, आर्टिफिशियली करिए, नेचुरली आपके दिमाग में नहीं आता है कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ, मैं ठीक अच्छा करूंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ये आर्टिफिशियली रिमाइंड करते रहिए और क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, लाइक दैट। ठीक है, निगेटिव विचार आना ही नहीं चाहिए, आप लगातार ये सोचिए। हल्की एंग्जाइटी बहुत अच्छी होती है परफॉर्मेंस के लिए, ये नहीं है कि आपको एंग्जाइटी विहीन हो जाना है, नहीं तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आप हल्के से चीजों को लेने लगेंगे। तो एंग्जाइटी एक अच्छी चीज है यदि वो हल्की मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो रही हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो फिर प्रोपोनोलॉल टैबलेट जो मैंने बताई थी एक अन्य वीडियो में, वो डॉक्टर से लिखवा कर, यदि आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है एग्जाम के पहले, तो वो आप खा सकते हैं 1 घंटे पहले। तो उससे हाथ कांपना, धड़कने बढ़ना, बहुत ठंडा पसीना आना, ये सब नहीं होता है। यदि आपको सिर्फ सोचने से कंट्रोल नहीं होता है, इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है। मेडिटेशन में शांत रह के डिफरेंट मेथड हैं, आप लोग चाहेंगे तो कभी मेडिटेशन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये थी बात, 5 पॉइंट थे, रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले डाइट, डाइट में आप लिखिए कि मैंने क्या समझा है, क्या लेना है और क्या नहीं, ये आप लोगों के लिए टास्क है। और मैं इसे समझूंगा कि आपने वीडियो अच्छे से पूरा देखा है, समझा या नहीं। दूसरे नंबर पर है स्लीप, स्लीप में जो भी बोला हो इसका भी आंसर चाहे तो लिख सकते हैं। थर्ड पर आया था स्ट्रैटेजी, फोर्थ पर था रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्स रहना है, और फिफ्थ पर था आपकी थॉट प्रोसेस। यदि ये सब रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपकी जो तैयारी है उसका ऑप्टिमम यूज आप उस दिन जरूर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, और मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों को तो जीतना होगा ही। थैंक यू।